हेलो स्टूडेंट uh, मेरा नाम पंकज सिन्हा है मैं पिछले पंद्रह साल से एज ए मेंटर और मोटिवेशनल कोच के रूप में काम करता हूँ मैंने कब बहुत सारे ब्रांड में पढ़ाया है जितने भी कोचिंग हैं मैं कोटा दिल्ली अब मैं पटना में पढ़ा रहा हूँ उसमें से एडोराइज जो एक पटना का ब्रांच है मैं उसमें भी पढ़ा उसमें पढ़ा रहा हूँ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कमिंग संडे को सेवेंथ मे ट्वेंटी को नीट का एग्जामिनेशन होता है ये नीट के एग्जामिनेशन में अब अग काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं अब कई पिछले पाँच छः साल से काफ़ी बढ़ गए हैं करीब करीब मोर देन ट्वेंटी लैक्स बच्चे बीस लाख से ज़्यादा बच्चे आपके बैठने लगे हैं करीब करीब अप्रोचिंग इस साल इक्कीस लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ये देखना है कि उसमें से सेलेक्शन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड ही बच्चे सेलेक्ट होंगे तो ये बड़ा टफ है मामला है करीब करीब दो से ढाई परसेंट ही बच्चे का सिलेक्शन होना है और इसमें जो सिलेक्शन है इसके लिए कुछ हमने बायोलॉजी में बताया है मैं एज बायोलॉजी फैकल्टी हूँ मैं जुलॉजी पढ़ाता हूँ उसमें आपका एक मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मैपिंग टेक्निक क्या है अब ये आपके जो दो दिन बचे हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो भी है आपने जो भी पढ़े हैं जो भी नोट्स बने हैं नोट्स में जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाया उस शॉर्ट नोट्स को कितनी तेज़ी से जल्दी से उसको समराइज करें रिकॉल करें अपने जो फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें हैं आपके बुक्स में हैं आपके नोट्स में हैं और ये उसको कितना से जल्दी जल्दी उसके मेंटल लेवल पे हम लोग उसको सिंक्रोलाइज और सीक्वेंस वेम में लेके आए उसी तरह से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं अगर आप इस टेक्निक से करते हैं तो आप कम समय में टाइम को मैनेज करते हैं और टाइम मैनेज करके आप जल्द से कम समय में बहुत ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट को माइंड में रखते हैं सबसे पहले है मेंटल मैपिंग मेंटल मैपिंग डेवलप करना मेंटल मैपिंग क्या है कि जो भी कंटेंट्स आपका है चाहे वो बायोलॉजी में हो चाहे फिजिक्स में हो चाहे जो भी आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को पूरे आपके एक मैपिंग करना है दिमाग में उसको लेके आना है और दिमाग में ला के उसको क्या करना है कि एक डोमेन बनाना है और उस डोमेन को बोलते हैं मेंटल डोमेन उस मेंटल डोमेन में क्या करना है वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज को आपको उसमें रखना है और जैसे जैसे आपकी उसकी जरूरत होता है तो आप उसको धीरे धीरे जैसे आप उसको बनाते हैं जैसे कंप्यूटर में आपका है फाइल है फोल्डर है फोल्डर के भी अंदर जो है आपके फाइल बनते हैं टेक्स्ट बनते हैं उसी तरह से आप माइंड में भी इस तरह से इसको रख सकते हैं इससे क्या होता है कि एक सिंक्रोनाइज वे में आप किसी चीज को काम करते हैं और वो इससे तो ये मैपिंग की तरीका है तो हर टॉपिक वाइज

आप समझा सकते हैं जान सकते हैं और आप अपने आप को रख सकते हैं तो डायग्राम पे फोकस करना जरूरी है डायग्राम को कर तो ये डायग्रामेटिक विजुलाइजेशन टेक्निक है जिसमें क्या होता है जितने भी डायग्राम दिए हैं वो या तो बाहर से डायग्राम मार्फोलॉजिकल डायग्राम है यानी कि एक्सटर्नल व्यू है इंटरनल है इंटरनल में लॉन्गे चुनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन में सभी को आप एक विजुलाइज कीजिए और करीब करीब विजुलाइजेशन का जो क्या है कि सेकेंड जो होता है सेवनटीन सेकेंड सेवेंटी सेकेंड तक सेकेंड तक आप किसी चीज को विजुलाइज करेंगे तो धीरे 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 और उसके बीच में कुछ नहीं आपको सोचना है सिर्फ उसी को आपको फोकस करना है और डीप फोकस करना है उससे क्या हो सकता है कि आप जो करते करते जो डायग्राम है वो आपके मेंटल लेवल पे ये पूरी तरह से वो एक तरह से सज जाएगा और जैसे ही आप दूसरी बार देखेंगे तो वो डायग्राम आप में फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह आ गया है वो आपके लग रहेगा कि एक कैमरा में फोटो जैसे खींचते हैं उसी तरह माइंड में एक फोटो के रूप में आपके वो आ गया डायग्राम उससे क्या होगा कि अब कोई भी चीज़ को कंटेंट को वो धीरे 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 आप उसको समझना जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका बन जाएगा तो आपके आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कॉन्फिडेंस बनेगा तो परफेक्शन आएगा ही तो ये चीज़ है जिसपे विजुलाइजेशन टेक्निक जिसमें सत्रह सेकंड का तो डायग्राम में जरूर करना जितने है, तो है जितने भी डायग्राम आपके दिए हुए हैं तो आपके शुरू से ही डायग्राम दिए हैं जितने भी डायग्राम आपके स्टार्टिंग एनिमल किंगडम है ह्यूमन फिजियोलॉजी है ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी डायग्राम दिए हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दिए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी दिए हुए हैं ह्यूमन डिजीज में भी है जो भी और भी फ्लो चार्ट्स होते हैं और जो भी सबको आप इस तरह से डायबिटिक विजुलाइजेशन टेक्निक इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो क्या होते हैं जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट मेमोरी होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होते हैं और वो हमारा एक हिस्सा होता है ब्रेन का जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम उस लिम्बिक सिस्टम में एमकडाला और हिपो कैंपस एरियाज होते हैं जो इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा विजुलाइजेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जब लॉन्ग टर्म टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड से डिलीट नहीं होता है और वो हमेशा रहता है वो पक्का हो जाता है और जब भी आप उसको मेंटल डोमेन में आप उसको करेंगे तो वो चीज़ फिर से विजुलाइज होगा और वो क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आएगा तो ये भी एक तरीका है जिससे टाइम को बचाने का तो आप इस तरह से टेक्निक से भी अभी आप उसको कर सकते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डायग्राम को और जितने भी फ्लो चार्ट है और भी तो इस तरह से दूसरा है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप माइंड मैपिंग कर भी सकते हैं इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने की तरीका है ये कंटेंट्स को शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है जैसे आप कोई भी टॉपिक ले चैप्टर ले लेते हैं चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स के मिनिमम पॉइंट्स को लिखिए मिनिमम पॉइंट्स का लिखने के मान लें एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम जैसे है तो स्टार्टिंग होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसके क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का सभी पॉइंट्स को लिख जाइए कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनिमल बॉडी प्लान एनिमल सिमेट्री जर्म लेयर उसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेन उसके बाद सिलोम उसके बाद सेगमेंटेशन उसके बाद नोटोकॉल सो दीज आर द इस एरियाज़ को ही आप छोटा शॉर्ट मिलें उसके बाद आप उसके बारे में सोचिए कि हाँ ऐसे ऐसे इस तरह, ऐसे उसी तरह फिजियोलॉजी में भी कुछ कुछ जैसे स्क्रिटरी ठीक है वेस्ट में आपको बताना है कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है रात सिस्टम को आप माइंड मैपिंग में आपको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कैसे होते हैं तो कैसे किडनी में आपका कहाँ से होते हैं कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबुल है कैसे ये सिस्टम है तो ऐसे करके आप पूरी एक डेवलप शॉर्ट कंटेंट्स आप अभी से भी बना के जितना चाहे आप लोग बनाए भी हैं तो उसी शॉर्ट कंटेंट्स में मनन करना सीखो चिंतन करना मनन जितना आप मनन कर रहे हैं यानी कि रिपीटिंग प्रोसेस कर रहा है और रिपीट करके विजुलाइज कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्सियस तो यानी कि जो ये प्रोसेस है जैसे जैसे आप फोकस करेंगे तो क्या करेगा आपके हमारे पास एक ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड का मेन काम होता है कि क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड क्या करते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो होते हैं आपके एक स्लीप स्लिप विक साइकिल को कंट्रोल करता है स्लीप विक साइकिल आपका सही रहेगा तो पीनियल ग्लैंड आपके उससे जो सिक्रेशन होगा वो क्या करते हैं कि आपका डोरवेज है अगर आप फोकस जितना भी करेंगे और ये जो आते हैं आपके जस्ट uh, इसके पीछे ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा में आपके पाए जाते हैं तो जितना आप फोकस करेंगे पिलियन ग्लैंड एक्टिव होगा तो आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा ज़्यादा एक्टिव होगा जैसे सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा तो आप क्या करेंगे कि क्या होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो डेटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन आपका पर सेकेंड करीब करीब ज़्यादा हो जाएगा कम से कम जो आप कॉन्शियस लेवल पे करते हैं सब कॉन्शियस में करीब करीब बहुत ज़्यादा करीब करीब आपका टेन टाइम्स ज़्यादा उससे भी ज़्यादा आपके डेटा रिकवरी और डाटा इंफॉर्मेशन जो होते हैं जो भी और जो भी बाहर से एक्सपीरियंस आप करते हैं चाहे पढ़ते हैं और पढ़ने के स्पीड भी बढ़ जाते हैं तीसरा जो होता है माइंड फ्लो टेक्निक होते हैं माइंड फ्लो टेक्निक हम बात कर रहे हैं कि किसी भी जो कुछ भी किसी भी परफेक्ट करने के लिए परफेक्शन किसी भी परफेक्शन करना है तो परफेक्शन करने के लिए आपको बता दें कि एक बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का है कि, कि किसी भी चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं उसमें टेन थाउजेंड आवर रूल्स होते हैं दस हजार रूल घंटा होते हैं किसी चीज को तो हर फील्ड में आपको अगर परफेक्ट होना है तो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई खेल हो चाहे कोई भी गेम्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे वे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट उसमें एक कोच जो होते हैं आपके दस हज़ार घंटे का ट्रेनिंग देते हैं उसमें आपको परफेक्ट होते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है उसी तरह आप दस हजार घंटा दो साल में देते हैं तो सात से आठ घंटा आपका आता है अगर सात से आठ घंटा आप दे रहे हैं तो आपकी समझी की तैयारी भी अच्छी है कंटेंट पर पकड़ भी अच्छा है कंटेंट का फ्लो भी अच्छा है कंटेंट आपके अब पूरे से पूरे मेंटल लेवल पर आपकाइज है उसमें एक टेक्निक आता है माइंड फ्लो टेक्निक होते हैं माइंड फ्लो टेक्निक में क्या होते हैं उसमें पूरी तरह डीप फोकस रहते हैं और डीप फोकस करके क्या करते हैं कंटेंट को पूरा तेजी से विजुलाइज करते हैं तो ये सब प्रोसेस है जो आपके ये आपको आपके एग्जामिनेशन में जो आ रहा है कमिंग नीट एग्जामिनेशन बड़ा ही आपको हेल्पफुल होगा फैसिलिटेट करेगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और इस समय आप जितना कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे और नर्वस नहीं होंगे नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होंगे चीज़ों को अब जितना शांत मन से आप चीज़ कर चीज़ों को करोगे पढ़ोगे और उससे क्या होगा और जितने भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे क्योंकि सिमिलरिटी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसको भी ध्यान देना है और नंबर ऑफ ऑप्शन जो है आपको उसमें भी पूरी तरह देखना है और अच्छे समय क्या कि पिछले साल भी थोड़ा सा सेमिलरिटी जूलॉजी वाले पोर्शन में था इस साल भी आपको रहेगा ही रहेगा तो यहाँ पे हड़बड़ा के नहीं देना है बड़ा शांत होना है और इसी तरह से आपको ठीक है एग्जाम देना है तो आने वाले नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो संडे को आ रहा है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू